हाँ तो दोस्तों, इस बार हमने जो सर्वांगी पाउडर के बारे में समझ ली है, उसके अलावा एक और औषध जिसको मैं आलमप्राश कहता हूँ, एक बहन ने मेरी पास से सब रेसिपी लेके इसको बनाया है। वो उसको XLR क्या ऐसा ही कुछ नाम दिया हुआ है, वो वहीं बैठी, हम अभी बुलाएंगे उनको। पर वो औषध कैसे बनाना है वो समझ लीजिए। आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं, उससे जूझना है, किसी भी शरीर में अंदरूनी भारी सूजन है, नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक फैटी लीवर है, किडनी फंक्शन को अच्छा करना है, या जोड़ों के दर्द या कमर के दर्द से आपको निजात पानी है, इन सब में यह काम करता है। करना क्या है, कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, जैसे ये मेरा चाय का कप है, एक कप आप अदरक का जूस ले लीजिए, एक कप लहसुन का जूस ले लीजिए, एक कप सिर्फ नींबू का जूस ले लीजिए, और यही एक कप नेचुरल एप्पल विनेगर, उसको लेके ये 4 कप को आप उबालने रख दीजिए। इसमें से 1.5 कप करीब करीब बर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको 6 या 8 घंटे तक ठंडा होने दीजिए, और इसमें ऐसे 2 कप शहद मिला दीजिए। आपका बेस औषध तैयार है। ये बेस औषध भी मैंने अभी जो सब फायदे बताए उनमें कारगर है। ये स्टार्टअप करने वाले बहन को तो मैंने इस बेस औषध में कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाने की पद्धति बताई है, और उन्होंने उसका प्रोडक्शन उस हिसाब से किया है। आपकी बोतल दीजिएगा, ये उनकी बोतल है। इनको इसीलिए बुलाया है कि आप अगर चाहे तो इससे परचेज कर सकते हैं। इस बोतल में ऐसे ये बेस औषध भी बिकता है 500 से 2000 रुपये के बीच में। आपने इसका कितना रेट रखा है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए ना। हम 750 में ये बेचते हैं। ओके, तो ये 750 में ये पूरी बोतल बेचते हैं, और शायद ये आपको 2 से 3 महीने तक, जैसे मैंने डोज़ बताया, या अपने हिसाब से आप डोज सेट करके उपयोग में ला सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हर प्रकार के कोलेस्ट्रॉल से जूझने के लिए ये आपको मदद करेगा। फैटी लीवर, ब्लॉकेजेस और किसी भी प्रकार की सूजन से ये आपको बिना कोई आड़ असर दिए निजात दिला सकता है।